समर्थन मूल्य होता है MSP, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये किस भाव पर सरकार खरीदेगी, किस भाव पर बड़ी बड़ी पूंजीपति पार्टियां खरीदेंगी, ये अब नहीं तय होगा। अब हमारे गेहूं, गन्ने का, मक्का का मूल्य बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां तय करेंगी। दूसरा बिल इन्होंने लाया जिसमें हमारी खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर देने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसान अपनी खेत को किसी बड़ी कंपनी को किराए पर दे देगा और वो बड़ी कंपनी उस किसान को खाद और बीज देगी, अवध में उसकी फसल उस कंपनी की होगी। अब वो कंपनी तय करेगी कि ये फसल ठीक है कि नहीं, इसका भाव क्या रखा जाए, इसका मूल्य क्या रखा जाए। और अगर किसान और पूंजी कॉर्पोरेट घरानों के बीच में कोई आपस में मतभेद होता है तो उसके लिए हमको SDM के यहाँ जाना पड़ेगा। साथियों आप बताइए, SDM एक यहाँ एप्लीकेशन आप दोगे, SDM एक 3 आदमियों की कमेटी बनाएगा, वो कमेटी आपकी सुनवाई करेगी, कमेटी आपका निर्णय देगी कि क्या होने जा क्या होगा। उसके खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते हो, कहीं कोर्ट आप नहीं जा सकते हो। तो ये बताइए, क्या किसी पूंजीपति के आगे कोई किसी SDM की हैसियत होगी कि वो किसान का भला करे? वो हमेशा भला करेगा तो पूंजीपति का करेगा, हम वहां मारे जाएंगे। तीसरा, इन्होंने एक बिल और लाया है, उस बिल में इन्होंने कर दिया है कि जो स्टॉक होल्डिंग होती थी एक सीमा निश्चित होती थी कि इससे ज्यादा। देखिए, शायद आपको ज्ञात हो, इस देश की सरकार ने माह जुलाई में किसानों के हितों के विरुद्ध 3 कृषि बिल संसद से पारित करा लिया था बिना किसी डिबेट में, और वो तीनों कृषि बिल कृषक विरोधी हैं। 3 माह से इस देश का किसान, पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, अपने अपने प्रदेशों में आंदोलन कर रहा है। जब सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो आज पूरे देश का किसान उठ करके दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद हो चुके और इस देश की सरकार जानबूझ करके किसानों की बातें नहीं सुनना चाहती है। अब 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और वार्ता निष्फल रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और आज कल किसानों का भारत बंद है और उसी को समर्थन देने के लिए हम लोग आज समाजवादी पार्टी के बैनर के तले के कलंग विधानसभा क्षेत्र में किसान यात्रा। सर, इस बिल से किसानों को किस प्रकार का नुकसान होगा, हानि क्या होगा? पहली बात तो MSP खत्म हो रही है, तो न्यूनतम मूल्य था। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि MSP नहीं खत्म होगी, आप लिख के दे दो ना। उन्होंने मंच से कहा कि MSP नहीं खत्म होगी, नहीं, मंच से मोदी जी ने 15 लाख दिया, मंच से मोदी जी ने 15 लाख दिया था। मंच से मोदी जी ने कहा था कि 18 दिन में कोरोना खत्म कर देंगे। मंच से मोदी जी ने कहा था कि अगर कहीं गड़बड़ हो गया नोटबंदी में तो मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर देना। एक भी बात पूरी हुई, इन झूठे लोगों की बात का क्या विश्वास? आप संसद में कहो ना, आप किसी बिल में लाओ ना, आप किसी विधेयक में लाओ ना, क्यों नहीं? आप ये व्यक्ति की हैसियत से दिया गया बयान तो बयान नहीं होता, मंत्री की हैसियत से संसद में दिया गया बयान उसकी कीमत है। सर, अभी यूपी सरकार ने एक लव यात कानून पास किया, इसको आप कैसे मानते हैं? देखिए, सब चीज़ों पर आज किसान के मुद्दे पर अन्य विषयों पर कहीं आपको बात करना।